लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट, इस विषय में आपने बहुत कुछ सुना हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं राजेंद्र जोधपुरिया, मनोवैज्ञानिक काउंसलर, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सच्चाई बताने वाला हूँ। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बकवास है, ये आप पूरी सच्चाई जानेंगे। मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मूवी देखी है, हमने द सीक्रेट एक रहस्य किताब भी पढ़ी है। अब किताब को पढ़ने के बाद समस्या जीवन में आ रही है। समस्या क्या आ रही है कि हमने ये सुन लिया है, ये पढ़ लिया है कि जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं वो सच हो जाता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बताया गया है कि जिस बारे में आप सोचते हो वो ही होता है। जैसे आपके विचार हैं वैसे ही आप हो जाते हो, या आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो वो चीज़ आपके पास आ जाती है। जिस बारे में आप बार बार विचार करते हो वही घटना घट जाती है। तो इन्हीं बातों के कारण बहुत से लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए, मानसिक रोगों के शिकार हो गए। उनको लगता है कि उनके मन में किसी की मृत्यु वाला विचार आ गया या अपनी मृत्यु का विचार आ गया तो वो सच हो जाएगा। अब उन्होंने सोच लिया कि कोई लूला लंगड़ा हो जाए, किसी का कोई नुकसान हो जाए, किसी को कोई बीमारी हो जाए, या उन्होंने अपने बारे में सोच लिया कि उनको कोई बीमारी न हो जाए या उनको कोई बीमारी हो जाएगी। मन कई बार अपने आप ही ऐसे विचार, ऑटोमेटिक विचार पैदा करने लग जाता है। ऐसे डरावने खतरनाक विचार मन में अपने आप आने लग जाते हैं। तो जिसने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत पढ़ा या वीडियो सुना हुआ है, अब वो फंस जाता है। उसे लगता है कि अब मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो ये सच हो जाएगा। उनको लगता है कि उसकी सोच सब कुछ सच कर देगी। अगर ऐसा हो गया तो उसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, किसी का नुकसान हो जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा। कोई इंसान बार बार किसी के बारे में सेक्सुअल सोच रहा है, पारिवारिक सदस्यों के बारे में सेक्सुअल विचार आ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं वो ऐसा कर ना दें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ऐसा हो ना जाए। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कन्फ्यूजन है या फॉल्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही नहीं है, ये एक सिरे की साजिश वाली बकवास है। मैं मनोवैज्ञानिक होने के नाते पूरी तरह से इसे सिरे से नकार रहा हूँ। मैं नकार सिर्फ बातों से नहीं रहा हूँ, मैं तथ्यों से नकार रहा हूँ। पहले मैं तथ्य बताता हूँ और फिर मैं बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल लॉ है वो लॉ है कर्मों का। जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही होने वाला है। बिना कर्म किए कुछ भी नहीं होगा, ना आपके जीवन में कुछ होगा ना दूसरों के जीवन में कुछ होगा। सोचना कोई कर्म नहीं है, सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर सोचने से ही सब कुछ होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों 18 अध्यायों की गीता कहते, वो क्यों ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग कहते। वो सीधा ही कहते कि अर्जुन आंख बंद और विजुलाइज कर ले कि सारे मर रहे हैं, तू युद्ध जीत रहा है। तो अर्जुन युद्ध जीत जाता और कृष्ण इतनी लंबी गीता कहने से बच जाते। भगवान कृष्ण तो इतने ज्ञानी महापुरुष थे, तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको पता था कि ये सोचना, ये विजुलाइज करना, खुद सोचना कि चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं पैसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं चेक अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं लड़की को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, फलां धिमका। भगवान कृष्ण जानते थे कि ये बकवासबाजी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, शेख चिल्ली के सपने हैं, इनमें और ज़्यादा कुछ सच्चाई नहीं है। आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। आप सोचना शुरू करें कि मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। क्या आपके सोचने से बाल सफ़ेद हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो फिर जो चीज़ आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ चीज़ प्राप्त करना चाहते हो या किसी चीज़ से डर रहे हो, बीमारी से, नुकसान से, तो वो कैसे सच हो सकता है? नहीं सच होगा, क्योंकि इस दुनिया में जो होता है वो प्राकृतिक नियमों के कारण होता है।
कुदरत के नियम ऐसे हैं, उन्हीं के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुदरती नियमों के खिलाफ है कि आप कुछ करो मत, आप कमाई ना करो, पढ़ाई ना करो, आप स्कूल ना जाओ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा बना लो कि मुझे चाइनीज आ रही है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। क्या आप सीख जाएंगे? कभी नहीं सीखेंगे। उसके लिए लॉ ऑफ कर्मा की ज़रूरत है, आपको कर्म करना होगा, और जब कर्म करेंगे तो ये फिर फालतू काम का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजाने की क्या ज़रूरत है। जैसे आपको किसी की मृत्यु वाला विचार आता है कि मैंने सोच लिया अब हो ना जाए, आप किसी मक्खी की मृत्यु की सोच दिमाग में लाएं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उसके ऊपर प्रयोग करें कि मक्खी की मृत्यु हो रही है या छिपकलियों की मृत्यु हो रही है, मच्छर मर रहे हैं, तो अगर ऐसा होता तो फिर भाई मलेरिया डिपार्टमेंट इतनी स्प्रे केमिकल क्यों छिड़कता? सारे डॉक्टर या जो हेल्थ वर्कर हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लेते कि मच्छर मर रहे हैं, मलेरिया भाग रही है, भाग जाती। ऐसा हो नहीं सकता, ये बकवासबाजी है। तो मैंने काफ़ी कुछ आपको बताने का प्रयास किया है, मेरी बातों से आप काफ़ी कुछ समझ भी पाए होंगे, फिर भी आप और अधिक इस विषय पर जानना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।